विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। तुम संकल्प एक ही रखना लक्ष्य को पाने के लिए। जी हां, मशहूर अमेरिकन लेखक रिक रियोर्डन का कहना है कि हमेशा सच को कहने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, और आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर उसी साहस की बात हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं आशा स्वागत करती हूं आपका साहस से भरपूर हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है मेरा साहस मुझ में। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखिए जब दिल दुविधा जाए। हम सभी प्राणियों के हृदय में एक आईना है, और वो आईना, उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, परंतु उस पे धुंध लगी हुई है, मैल लगा हुआ है, और जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक वो आईना ठीक ढंग से आपकी जो छवि है उसको दिखा नहीं पाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें दिमाग से अधिक हिम्मत होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें दिमाग और हिम्मत दोनों ही भरपूर होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये दोनों चीजें होती हैं लेकिन उनके लिए इसके कोई मायने नहीं होते, क्योंकि अपने ना तो हिम्मत को वो समझ पाते हैं ना ही अपने दिमाग पर भरोसा कर पाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम किसी संपूर्ण व्यक्ति को जो अपनी जिंदगी में हर लिहाज से खुश है, ऐसे व्यक्ति को, किसी पूंजीपति बिजनेसमैन को देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इसके जीवन में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसकी भी शुरुआत तो हुई होगी, उस संघर्ष का किसी न किसी ने उसके परिवार में या उसने खुद सामना तो किया होगा। तो उसी संघर्ष को पार करते हुए कैसे मुकाम हासिल किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, याद समझने की बारी है। तो आइए हम मिलकर समझते हैं कि आखिर कैसे अलग स्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। दुनिया की भीड़ में हर आदमी एक बेहतर जीवन की तलाश में है, लेकिन बेहतर असल में वही कर पाता है जो लीक से कुछ हटकर सोचता और करता है। ऐसे लोग जो अपनी क्षमता से ऊपर, अपनी हिम्मत से आगे कुछ कर गुजरने का साहस रखते हैं, वो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। ये कहानी है केरल के श्रीनाथ की, जो कुछ समय पहले महज एक कुली थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके लिए हर साल लाखों लोग अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं। आईएएस की परीक्षा। जी हां, श्रीनाथ बहुत ही मामूली परिवार से थे, लेकिन अपने साहस से उन्होंने वो कर दिखाया जिससे वो एक मामूली कुली से एक आईएएस बन गए। एक तरफ था घर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्चों को जमा करने का बोझ, और दूसरी तरफ था एक सपना आईएएस बनने का। इसकी तैयारी के लिए श्रीनाथ के पास था एक स्मार्टफोन, एक सादा सा ईयरफोन और रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध फ्री वाईफाई। कहते हैं श्रीनाथ एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर बतौर कुली एक तरफ बोझ उठाते रहते थे और दूसरी तरफ उनका ध्यान उनके ईयरफोन में चल रहे डिजिटल कोर्स की तरफ होता था। तो श्रीनाथ की जिंदगी से एक सीख तो जरूर मिलती है कि आज के बाद जब भी हम अपना कोई लक्ष्य बनाएं, तो अपना ध्यान अपनी क्षमता और कोशिश पर लगाएं, न कि कमियों और परिस्थितियों को दोष दें। आप प्रेम रावत जी को सुनते होंगे, तब तो ये पक्का सुनते होंगे, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जी हाँ, तो वो बहुत लिमिटेड टाइम है, यही वो कहते हैं, और इसी जो लिमिटेड टाइम है, जो बहुत कम, जिस जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है, ऐसा समय है, उस समय को कैसे अपने लिए न सिर्फ शांति से भरा हुआ बनाना है बल्कि उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को भी पाना है, कैसे संभव हो सकता है।
आइए प्रेम रावत जी के एक और ऐसे ही संदेश से समझने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में इस समय में सबसे बढ़िया मौका है कुछ समझने का, कुछ सीखने का। क्या सीखना है आपको? एक सबसे पहली बात कि ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये समय जो आपके पास है, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसका कोई मोल नहीं है। इस बात को जानिए, अपने आप को जानिए, सचेत होकर के अपनी जिंदगी को बिताइए और अपने हृदय के अंदर पूरी तरीके से आभार प्रकट करने की कोशिश कीजिए। आभार किस चीज के लिए? जो सब कुछ सुंदर है, जो अच्छा है उसके लिए। कोई भी चीज है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, उस पर कोई अमल नहीं किया जाए, उस पर कोई कोशिश नहीं की जाए, उसको साफ नहीं रखा जाए, तो धीरे 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 वो मैला होने लगेगा। मनुष्य के साथ भी यही बात है। जब वो जो असली चीज है, वो क्यों है यहां, वो क्या कर सकता है, क्या पाने की उसकी इच्छा है, अगर वो इन सब चीजों को भूलने लगे कि वो यहां क्यों आया है, कि वो जो परमानंद का आनंद है उसको लेने के लिए यहां आया है, अगर वो ये सारी चीजें भूलने लगे तो धीरे धीरे करके और कोई चीज आ जाती है। अब वो क्या आती है? वो धुंध, वही मैल लगने लगता है। कई बार मैं सुनाता हूं कि जब हम कपड़े साफ करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सफाई कहीं से लाते हैं। सफाई कहीं से नहीं लाते, सफाई तो उस कपड़े में है, पर वो सफाई दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उस पर मैल लगा हुआ है। अगर आप उस कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो सफाई लाने की जरूरत नहीं है, मैल को निकालने की जरूरत है। मैल को अगर आप निकाल देंगे तो कपड़ा अपने आप साफ हो जाए। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो मैल है, वो मैल जो दुविधा होती है, जो प्रश्न उठते हैं, जो शंकाएं होती हैं, ये वो मैल है। जब वो जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर क्या है, तो उसको वो दिखाई नहीं देता है साफ तरीके से कि असली चीज क्या है। अगर वो असली चीज को जानना चाहता है, अपनी असलियत को समझना चाहता है, तो ये जो भ्रम का मैल है इसको निकालने की जरूरत है। परंतु दुनिया भर के लोग सफाई को ढूंढ रहे हैं। जो उनको जब मालूम पड़ता है कि अच्छा ये मन का मैल है, इसको निकालने की जरूरत है, तो वो सफाई को ढूंढने लगते हैं कि हम सफाई को, सफाई हमारे पास आ जाए तो फिर ये अपने आप चला जाएगा। नहीं, ये मैल को निकालने की जरूरत है, और जब मैल को निकालेंगे तो सफाई अपने आप है। तो भ्रम जो होता है मनुष्य को, वो क्यों होता है? क्योंकि जो चीज वो जानता है, जो चीज स्पष्ट है उसके लिए, वो अस्पष्ट हो जाती है जब भ्रम आता है, जब मनुष्य भ्रमित होता है कि मैं क्यों हूं यहां, काय के लिए हूं। क्यों? कि जब दुख उसके ऊपर पड़ते हैं तब वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं इससे कैसे निकलूं, मैं इससे कैसे स्वतंत्र हूं, क्या होगा मेरे साथ। जब मनुष्य को आज की कदर कम हो जाती है और कल की कदर ज्यादा हो जाती है, तो अपने आप मनुष्य भ्रमित होता है, क्योंकि आज में तो वो सही है, आज में तो जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है, पर वो जब कहने लगता है अपने से कि कल क्या होगा, तब उसका दिमाग जो है चक्कर खाने लगता है। आइडियल जीवन हम सबकी नजर में क्या है, ये आप सबसे एक सवाल है। शायद आपका जवाब होगा वो जीवन जिसमें शांति भरपूर हो, वो जीवन जो कि शांति का आभास कर पाया हो या कर पाता हो,
वही है आइडियल जीवन। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उस शांति की दरकार आखिर हमें और आपको कब पड़ती है, कब महसूस हम करते हैं कि वाकई अब मेरे जीवन में शांति होनी चाहिए, और क्या इसके लिए किसी खास स्थिति की, परिस्थिति की या फिर एक खास उम्र की जरूरत है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए आइए मैं आपको मिलवाती हूं एक ऐसी युवा छात्रा से जो मेडिकल स्टूडेंट है, जीवन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं, समझती हैं, समझने की कोशिश करती हैं, और आज उनके विचार शायद इस शांति को समझने में आपकी भी मदद कर पाए। नागपुर से मेरे साथ आस्था एक मेडिकल स्टूडेंट एम्स से जुड़ चुकी हैं। आस्था जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू सो मच शो पे बुलाने के लिए। तो इतनी छोटी सी उम्र है और आपसे जोड़कर हम शांति की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आस्था अपने बारे में बताइए, अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए, आखिर इस फील्ड में कैसे आना हुआ, तमाम चीजें, कैसे आपकी दिशा इस ओर मुड़ी। मेरा नाम आस्था पाल है, मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ एंड फिलहाल मैं नागपुर के एम्स से MBBS कर रही हूँ, सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। एंड मम्मी, घर में मेरे मम्मी पापा हैं, पापा का नाम करण पाल है, टीचर है, मम्मी का नाम रेखा पाल और वो हाउसवाइफ है। बचपन से ही इंक्लिनेशन मेरा बायोलॉजी की तरफ था, तो 12th क्लास के बाद मैंने ट्राई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को स्टेट का कॉलेज मिला था, बट मेरे को थोड़ा सा था अंदर से कि दुनिया को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया, आई वॉन्टेड टू गो समवेयर आउट, तो कोटा गई मैं, वहाँ पे एक साल तैयारी करी एंड भगवान की कृपा से उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गया मेरा और यहाँ अभी मैं नागपुर में हूँ। मेरे ख्याल से अपना इंसान का कोई भी लाइफ में अगर कोई भी गोल होता है उसे अचीव करने के लिए पैशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एंड पैशन के साथ साथ अगर हार्डवर्क आ जाए देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ वट आई बिलीव, क्योंकि टैलेंट कई लोगों के पास होता है, हार्डवर्क करना ज़रूरी होता है उसके साथ साथ, तो आई बिलीव पैशन, टैलेंट, हार्डवर्क, एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो जाहिर तौर पर एक अनसर्टेनिटी जो होती है वो उसने घेरा होगा आपको, एक मन में डर आया होगा कि पता नहीं जो चाह रही हूँ हो भी पाएगा नहीं, तो कैसे डील किया उस अनसर्टेनिटी को कि कल क्या होने वाला है, इसको लेकर के जो डर होता है उसे, उससे कैसे डील किया? मेरे ख्याल से डर लगना अगर मैं कहना चाहूँ तो जब मैं कोटा में थी एक साल, वो ही एक ऐसा टाइम था जब पहली बार मैं घर से बाहर रह रही थी और मम्मी पापा नहीं थे उस टाइम साथ में, सब कुछ अकेले खुद ही करना पड़ता था, एग्जाम में कभी नंबर कम आ गए, कभी घर की याद आ रही है, तो वो कुछ ऐसे पल होते थे जब ऐसा लगता था कि डर है अंदर से, बट अभी कोटा का फेस चले गया, कॉलेज में आ गए, MBBS की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल होती है, फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे बिल्कुल नींद नहीं मिल पाती है, रात रात भर जगना पड़ता है, तो वो एक कई सारे ऐसे पल होते हैं जब ऐसा लगता है कि क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, इतना सारा टाइम है अभी कॉलेज में, अब कॉलेज और भी ज़्यादा दूर हो गया है घर से, तो इन मौक़ों पर आई गेस फैमिली का सपोर्ट होता है, घर वालों का साथ रहता है हमेशा, कॉलेज के टीचर्स होते हैं, दोस्त होते हैं साथ में, एंड पॉजिटिव रहना इस टाइम पे आई गेस सिर्फ मन से ही नहीं, अपना शरीर को स्वस्थ रखना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज करना और ये सब चीज़ें, तो मैं मानती हूँ कि इन सब चीज़ों से थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है अपने अंदर, तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से सब कुछ पॉसिबल होता है। आस्था आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो अब अगला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप सच में आपने जो महसूस किया हो उस दौरान वो जवाब दीजिएगा। आप ये जानती हैं कि सबसे ज़्यादा जिनकी ज़िंदगी, जिनका जीवन ख़तरे में था उस वक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, लेकिन इन सिचुएशंस को आपने कैसे देखा है, क्या फील किया पेंडेमिक के दौरान आपने ये सब कुछ देख कर? एक साल जो पिछला था लॉकडाउन हो गया था कोरोना वायरस के कारण, सभी के लिए, दुनिया भर में सभी के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। हम लोगों का कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ था एंड कॉलेज के पहले साल में से लगभग 7 महीना हम लोग घर पर रुके थे। मेरे हिसाब से जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लॉकडाउन हुआ, हमको घर जाना पड़ा, कॉलेज की काफ़ी पढ़ाई छूट गई उस समय, मेडिकल की पढ़ाई, प्रैक्टिकल्स और डायसेक्शंस, ये सब चीज़ें घर पर बैठे बैठे नहीं हो सकती हैं, उसमें काफ़ी दिक्कतें हुई, कॉलेज के टीचरों ने हमेशा साथ दिया, दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहे 7 महीना, बट उसी के साथ साथ उसका अच्छा साइड ये था कि 7 महीना हम घर पे, मैं अपने माँ बाप के साथ रह पाई,
बहुत टाइम बाद इस चीज़ का मौका मिला, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ में अच्छाई थी, बुराई थी तो अच्छाई भी थी साथ ही साथ। कई टीचर्स लगभग कॉलेज में, बहुत सारे लोग जब हम घर पे थे, अभी भी कई लोग पॉजिटिव हैं, तो वो लोग पॉजिटिव आ गए लेकिन उनके अंदर वो चाह थी कि उन्हें कुछ करना है। वो बिस्तर पे होते थे, ईआर में बेड में एडमिट होते थे, फिर भी हमारी क्लासेस लेते थे। तो वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए कि कैसे ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए लेकिन अपना काम कभी नहीं छोड़ना होता है। आप जिस चीज़ के लिए जी रहे होते हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ को डिफाइन करती है, उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना होता है, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है आस्था, कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना और फिर उस पर अमल करना, जैसा कि आपने बताया आपका एक्सपीरियंस रहा जो पेंडेमिक के दौरान। लेकिन प्रेम रावत जी के संदेश से आप जुड़ी हुई हैं, तो मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ कि कौन सा संदेश प्रेम रावत जी का जो आपके जीवन में आपको मदद करता आया है या जिस राह पर आप चलती रही हैं। मैं बचपन में जब सुना करती थी, तो बचपन का मेरे को कुछ कुछ ऐसा याद है जो चीज़ें मैंने बचपन में सुनी थी, कि वो ऐसा बोलते थे कि हम हमारी लाइफ में पीस का ऐसा मतलब मीनिंग ढूंढते हैं कि जब छोटे होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, अभी क्या करना है पीस के पीछे भाग के। थोड़े बड़े हो गए फिर ऐसा लगता है काम काज में बिजी हैं, अभी समय नहीं है। और जब बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जब बूढ़े हो जाएंगे, बस बूढ़े लोगों के लिए ही होता है शांति का संदेश। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें मैंने कभी मानी नहीं। वो बोलते थे कि शांति हर किसी के लिए होती है, चाहे वो कोई छोटा इंसान हो, कोई बड़ा इंसान हो। तो उनके उस संदेश ने काफ़ी मदद करी है पॉजिटिव रहने में हमेशा। और मेरे हिसाब से कोई भी उम्र का इंसान हो, उसे ज़रूर शांति से जुड़ना चाहिए। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि शांति तुम्हें केवल मेरे पास मिलेगी, आपको कहीं और से शांति मिल रही है, कुछ और करने में अगर आपको आंतरिक शांति प्राप्त हो रही है तो वहाँ जाइए, अगर वहाँ ना मिले तो मेरे पास आइए, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। इतनी पॉजिटिविटी जो आपको इस मैसेज से मिली है, ना सिर्फ सुनती हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपने आत्मसात भी किया है। लेकिन फिर आस्था, क्या कहना चाहेंगी जो आप जैसे युवा जो बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं या फिर अगर कुछ कठिन सामने आया और वो देखकर विचलित हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आपके एक्सपीरियंस के बूते? कई सारी चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कि हम किसी और के लिए जी रहे हैं, या कई ऐसी बातें होती हैं ज़िंदगी में, पर मेरे हिसाब से हम सबको ही अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। बिना लक्ष्य के ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के पीछे हमें दौड़ते रहना चाहिए। हर दिन हमें अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी मेरे हिसाब से दूसरों के साथ कभी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने में अलग होता है। तो यही सब बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आस्था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये मोटिवेशन बरकरार रहे मैं यही उम्मीद करती हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। कितनी महत्वपूर्ण बात कही आस्था ने, कि ये चीज़ जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुई, ये नहीं सोचा कि शायद ये मुझसे हो ना पाए, बल्कि दूसरी बार और जज्बे के साथ उस पर काम किया और फिर आज वो कर रही हैं जो वो करना चाहती हैं। यही तो हमारे और आपके साथ भी होता है। कई बार हम जो चाहते हैं हमारे जीवन में नहीं घटित होता है, और फिर हम सोचते हैं कि शायद ये मुझसे होगा ही नहीं, या ये मेरे लिए बना ही नहीं है। सारा दोष नजरिए का है, यही कहते हैं प्रेम रावत जी भी। लेकिन फिर इस नजरिए पर कैसे काम करना है, इसको कैसे बदलना है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपने मन में धारणाएं बनाते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो लोग धारणाएं बनाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और इन धारणाओं के कारण हम असली चीज क्या है उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि इन चीजों की परख होना कि क्या क्या है, क्रोध क्या है, कामना क्या है, और स्पष्टता क्या है, दयालुता क्या है, इन चीजों की अगर हमको परख नहीं होगी तो हम इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर चाहे हम कितनी भी कोशिश करें अपना नहीं पाएंगे, और वही चीजों को अपनाएंगे जिनके हम गुलाम बने हुए। एक
छोटी सी कहानी यह है कि एक आदमी कहीं जा रहा था और चलते चलते उसने देखा कि एक कांच का टुकड़ा रोड पे पड़ा हुआ है। तो वो आदमी अच्छा आदमी था, दयालु था। उसने सोचा कि ये कांच का जो टुकड़ा है इस पे अगर किसी का पैर लगेगा तो उसको हानि पहुंचेगी। तो उसने उस कांच के टुकड़े को उठा के फेंक दिया, अलग फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तो और वो चलता रहा। थोड़ी देर के बाद एक ऐसा आदमी आया जो हीरे का बिजनेस करता था, उसका व्यापार हीरे बेचने और खरीदने का था। तो चलते चलते उसकी आंख, जो वो पहले हीरा फेंका हुआ था, उस तरफ गई। तो वो अपने किस्मत को क्या कहे, इतना खुश हुआ वो, इतना खुश हुआ वो, इतना खुश हुआ कि उसने वो वहां गया और उस हीरे के टुकड़े को उठाया और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगा कि मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मेरे को इतना बड़ा ये हीरा रोड के किनारे मिला। और उसने उस हीरे को अपने जेब में रखा और बहुत खुश होकर के आगे बढ़ता रहा। अब देखिए इस कहानी में क्या है। एक ने देखा और उसको समझा कि वो कांच का टुकड़ा है और किसी को उससे हानि पहुंचेगी, ठीक है, उसको मालूम नहीं था, और उसने उस हीरे को समझा कि वो कांच का टुकड़ा है। परंतु जिसको मालूम है उसके लिए वो कांच का टुकड़ा नहीं था, उसके लिए वो हीरा था। बात यह है कि अगर एक दृष्टिकोण से देखें तो ये बात है कि वो जो टुकड़ा कांच का टुकड़ा था एक के लिए और एक के लिए हीरा था, तो जिसने सोचा कि वो कांच का टुकड़ा है तो उसने उसको फेंक दिया ताकि किसी को लगे ना, और जिसने उसको हीरा समझा उसने भी वही किया, उसको वहां रखा नहीं, उसको अपनी जेब में डाल लिया। तो हानि तो किसी को पहुंचेगी नहीं, पर एक ही किस्मत खुल गई और एक ने अपने हाथ में जो आया हुआ हीरा था उसको भी फेंक दिया। अब ये बात जरूर है कि फेंका अच्छे कारण से, पर फेंक दिया क्योंकि उसको परख नहीं थी कि वो क्या फेंक रहा है। चीजें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी तुमने सोचा था होनी चाहिए। क्या होता है? गुस्सा आता है। क्या ये संभव है कि हमारे दुख का कारण ये जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो ये हमारी धारणाएं हमने जो बना रखी हैं, ये हैं? यही कारण है कि जो कुछ हो रहा है इसको हम समझ नहीं पा रहे। और यही बात हमें और आपको समझनी है। तो आइए इसी हौसले को, इसी साहस को समझें, अपने भीतर झांकें, इस साहस को समझते हुए अपने जीवन को हम सब सफल बनाएं। नमस्कार।